हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। और फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स 27th of April के लिए। थोड़ा सा मार्केट के बारे में अगर समझें, मार्केट ने आज क्लोज किया है 143 पॉइंट्स पॉजिटिव में। बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 552 पॉइंट्स पॉजिटिव में। हालांकि दोनों ने अपने हाई से काफ़ी नीचे आ किया, इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो 300 पॉइंट शेड किए हैं। कल की याद है, आईसीआईसी बैंक पूरे मार्केट का मूड चेंज कर सकता है, बिकॉज आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर चुका था और बैंकिंग सेक्टर में राइज आने की उम्मीद थी। यही इंफॉर्मेशन आपको आगे चल के भी यूज करनी है, आपको ऐसे ही फोकस करना है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में बाइंग हुआ है। और एक और चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको एक स्विंग ट्रेड दिया था आज ताज जीकेवी का, क्वेश्चन आया पेंडेमिक टाइम में होटल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, आप कब वेट करेंगे? आप उस न्यूज आने का वेट करेंगे कि होटल्स में बाइंग आना शुरू हो गया है? तब तक तो बाइंग आ चुका होता है। आपको मूड्स को, आपको लेवल्स को पहले कैप्चर करना आ जाना चाहिए, तभी तो राइज करेगा। तो अगर आप आज बाय करते हैं तो जैसे ही थोड़ा सा भी लॉकडाउन में ईज आउट होगा तो डेफिनेटली वही स्टॉक्स बढ़ेंगे जो ऑलरेडी बीटन डाउन है। इसीलिए मैंने आपको वो ट्रेड दिया है, सो दैट आप न्यूज आने का वेट ना करें, उससे पहले ही राइज करें। कल जो है बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है, मैंने आपको उसकी एस्टिमेशन, जो मार्केट की प्रेडिक्शन होती है, वो टेलीग्राम पे पोस्ट किया है। तो आईसीआईसी बैंक ने तो ऑलरेडी मूड बना दिया है, अब बजाज फाइनेंस अगर उसको कंटिन्यू करेगा तो कल फिर आप नहीं कहेंगे कि हमारा बैंक निफ्टी फिर से भागेगा, और बैंक निफ्टी जाएगा तो निफ्टी को साथ लेके जाएगा। ये तरीका होता है आपको अपने ट्रेड्स बनाने का। ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़ का वेट करें कि ये वाला पर्टिकुलर न्यूज़ आया है, वो तो आ चुका है, उसकी मैक्सिमम कंजम्पशन हो चुकी है। उसकी अगली कंजम्पशन तब होती है जब मार्केट के क्लोजिंग के आसपास आए या क्लोजिंग के बाद आए, तभी वो उसमें कोई बड़ी मूवमेंट आती है, या वो पहला दिन हो उस पर्टिकुलर मूवमेंट का तो नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर जाती है। इसलिए आपको ये न्यूज अपडेट के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, फिलहाल जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है, ये लाइन 100 DMA की लाइन है, ये प्लेस किया गया है 390 पे। तो 390 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। डेटा वाइज की बात करें तो 14,400 पे भी सपोर्ट बन रहा है, 14,350 पे भी सपोर्ट बन रहा है, मतलब ये लेवल्स हमारे लिए काम करेंगे करंट सपोर्ट का। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो 14,500 और 14,550 का सपोर्ट है हमारे पास। बहुत छोटी सी रेंज है जिसको हमें कल कैप्चर करना है। अगर ये हमारा जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक होता है तो स्टॉक और ऊपर बढ़ेगा, सपोर्ट ब्रेक हो जाता और नीचे गिरेगा। और अगर निफ्टी को अपने आप को रोकना है तो 100 DMA को ऊपर उसको सपोर्ट बनाना है और वहीं रोकना है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, आपको याद है ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 के बाद में कभी भी बाइंग आ सकती है, वापस से वही पैटर्न अब फिर से हमारे लिए रेडी हो गया है, 1, 2, 3 और फिर से हमारे पास ये है, विच इज प्लेस समवेयर क्लोज टू 14,550। तो हमारे लिए पहला टारगेट कह सकते हैं, जहां भी मार्केट ओपन होगा उसका पहला टारगेट तो 550 हो सकता है, अगर वो अपने डेफिनेटली 14,400 के नीचे ना जाए। और अगर बजाज फाइनेंस भी मार्केट को चीयर करता है तो बैंक निफ्टी फिर से 500-600 पॉइंट के लिए ऊपर भागेगा। ऐसी कंडीशंस में आपको ये याद रखना है कि आपका मार्केट का पीक कहाँ पे है और वहाँ पे आके अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। उससे क्या बेनिफिट होता है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा तो आपको काफ़ी प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। और याद रखिएगा एक और बात, अभी 50 DMA से काफ़ी नीचे है, जो प्लेस किया गया है 812 के नीचे, तो अगर ऊपर भी जाएगा क्लोजिंग के आसपास तो 14,800 के आसपास उसको अपने आप को होल्ड करना चाहिए। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसको अपने आप को 14,400 के ऊपर ओपन करना पड़ेगा। तो ये लेवल्स जो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको सपोर्ट के लिए आप यूज़ कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट उसने अपने जो क्रूशियल रेसिस्टेंस था उसको तो ब्रेक कर दिया है, जो हमने 32,000 बोल रहे थे। तो ICICI बैंक ने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन क्या ये लेवल सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये हमें आने वाला दिन बताएगा। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कल के सेशन में, कहा था लास्ट वीडियो में ही, कि जब आप
जो मेजर ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अगर वहां एक हाई पे बाई कर लिया गलती से, वो चाहते हैं मार्केट वापस ऊपर जाए, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है वहां पे वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें, प्रॉफिट नहीं जो ब्रेक इवन है वो वहां से एग्जिट करना चाहेंगे। तो जैसे ही वहां तक मार्केट जाएगी और वो उन्होंने अपना अगर जो एग्जिट करना शुरू कर दिया अपना ब्रेक इवन पे, तो मार्केट फिर से फॉल आएगी। तो हमारे लिए अभी आने वाले दो दिन काफी क्रूशियल रहेंगे, और उस दो दिन के अंदर आपको सिर्फ अपने आप को इंट्राडे के लिए ही तैयार करना है। ज्यादा बड़ी अभी मत सोचिएगा, ज्यादा बड़ी सोचनी है तो आप लॉजिस्टिक पे जा सकते हैं और होटल इंडस्ट्री पे जा सकते हैं, तभी आपको अच्छा मिलेगा। चलिए बात करें बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। बैंक निफ्टी के पास में 32,000 का रेसिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, और 31,800 का सपोर्ट है। मतलब नीचे के लेवल काफी अच्छे हैं, इनको ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तभी वीकनेस आएगी, अदरवाइज क्या हो सकता है ना, वहां तक नीचे गिरेगी अपने आप को होल्ड करके वहां से भी राइज करती है। हमेशा जो आपका सपोर्ट होता है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है बाउंस बैक करने का। तो जब तक कोई भी स्टॉक या इंडिसेस उस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा वहां से राइज करने के काफी चांस होते हैं, इसीलिए जल्दबाजी कभी ना करें। चलिए ऊपर की बात करें, ऊपर हमारे पास 32,500 है और 32,800 के लेवल्स काम कर रहे हैं एज अ रेसिस्टेंस। रेंज यहां भी 500 पॉइंट की है, 500 पॉइंट की क्या 225 है, तो कह सकते हैं 250 नीचे 250 ऊपर। तो कल का डे होगा वो थोड़ा सा इंडिसिव रहेगा, लेकिन कल का डे ही हमें बताएगा कि हमारा मार्केट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, क्योंकि जो राइजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस अभी थमे नहीं है, अभी हमारा जो पीक है वो कर्व जो है अभी डाउन नहीं हुआ, अभी भी राइज कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कभी भी किसी भी वक्त डायरेक्शन चेंज कर सकती है। बस अगर ग्लोबल मार्केट हमारा पॉजिटिव में क्लोज हुआ और हमारा मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव मूड में है, लगातार कंपनीज अच्छे अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही है, टेक महिंद्रा और ये सब कंपनीज अच्छे अपने रिजल्ट पोस्ट कर रही है, तो वो जो मूड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, इसके लिए ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है इस टाइम पे। सो लेट्स सी हाउ द ग्लोबल मार्केट इज गोइंग टू सपोर्ट अस। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं और आगे चल के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, देन यू मस्ट नो ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, बाय कब करना है, डिमांड सप्लाई का पता होना चाहिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट कहाँ ले रही है, कब आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए, वेन टू एग्जिट फ्रॉम सो दैट आपको ज्यादा लॉस नहीं हो, हाउ टू फाइंड एंड ट्रेड स्विंग ट्रेड्स, अगर टाइम कम है तो आपको ऑप्शन से कैसे पैसे बनाना चाहिए, ये सब नॉलेज आपके पास में होना बहुत जरूरी है। एंड इन केस यू वांट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, देन वी डू प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर विच यू कैन व्हाट्सएप एंड इंक्वायर फर्दर फॉर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। स्टॉक सिलेक्शन में हमारा पहला पिक रहेगा ACC। ACC को भी मैंने ऑलमोस्ट निफ्टी के पैटर्न के साथ में पिक किया है। अगर आप यहां देखेंगे ना, ये रहा, इसमें देखिए 1, 2, 3, तो बाकी तो चीज मैंने आपको निफ्टी में समझाई दी है कि थर्ड कैंडल के बाद वो भाग सकता है ऊपर, इसीलिए हम जो इसको बाय करेंगे वो उसका जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया उसके ऊपर ही बाय करेंगे। लेकिन कंडीशन हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, उसको उसके ऊपर जाने दीजिए, वहां उसको स्टे करने दीजिए कुछ टाइम पे 5-10 मिनट, और अगर फिर राइज करता है तो डेफिनेटली आप उसमें बाय कर सकते हैं। मार्केट अगर किसी रीजन की वजह से गैप ओपन करता, चांस तो कम है लेकिन फिर भी किसी रीजन की वजह से गैप ओपन करता है, तो जल्दबाजी में ट्रेड मत लीजिएगा, आप आराम से मार्केट को सेटल होने दीजिएगा, ट्रेड अपने आप निकल के आएगा। आज हमारा पहला ट्रेड 12:30 पे मिला था, तो विच मीन्स वी हैव ऑलमोस्ट वेटेड फॉर 3 आवर्स टू गेट 1 कंफर्टेबल ट्रेड, और ज्यादा प्रॉफिट ना सही लेकिन लॉस उसमें नहीं हुआ। यही चीज आपको देखना है, जितना कम प्रॉफिट हो चलेगा, लॉस ना हो, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर ACC अपनी करंट क्लोजिंग, जो आज की क्लोजिंग है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, और हमारा जो ओवरऑल सेंटीमेंट है मार्केट का वो सपोर्ट भी करता है, द नेगेटिव सेंटीमेंट रहा तो एक बड़ा फॉल भी लेके आएगा ACC, इसीलिए हम उसको दोनों तरफ से आपको बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेटा की बात करें, रिकमेंडेशन की बात करें, तो बाय साइड ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू द सेल साइड। अगला स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स को एक यहां से एक लेवल प्लॉट करते हैं ये वाला, और नीचे की तरफ से आप ये कह सकते हैं ये रहा, अदानी पोर्ट्स इसी लेवल में ट्रेड कर रहा है। ऊपर जो ये ट्रेंड लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। आसान हो गया आपके लिए, अगर ये ऊपर ब्रेक करती है अपनी ट्रेंड लाइन को तो हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगी। बस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, वहां पे अपना सपोर्ट बनाए और फिर भागेगी। वैसे भी अदानी पोर्ट्स
इस टाइम पे काफी अच्छे मूड में है और लगातार हाई पे हाई बना रहा था, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, फिर से एक नई रैली के लिए शुरू हो सकता है, बट उसको अपने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ट्रेड करना है। लेकिन किसी वजह से अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हो गया ना तो उसमें वीकनेस आ जाएगी, फिर आप मान के चलेगा अगला टारगेट तो 700 का होगा ही होगा। इसीलिए जो बाइंग सेल लेवल्स में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ दोनों को आप ट्रेड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर मार्केट कंडीशन। अगला स्टॉक है हमारा और फार्मा। फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर अगला हमारा एक बूम लेके आने वाला है, बिकॉज इस टाइम पे ये दो ही सेक्टर हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी तो लॉकडाउन में बह जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जाके उनको वीकनेस मिल जा रही है। लेकिन फार्मा के पास में दे हैव ऑल द रीजंस टू राइज। लेकिन ये बड़ी बड़ी कैंडल क्या है फिर, ये रेड कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग। जब भी स्टॉक अपने हाई पे जाएगा तो आपने अगर यहाँ बाई किया है तो आप ये वेट तो ना करेंगे, आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये इंडिकेट कर रहा है, ये वाला आप वॉल्यूम देख रहे हैं, इतनी बड़ी कैंडल का वॉल्यूम इतना सा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट बुकिंग ही है। लेकिन कभी कभी जो है ना सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं। अगर आज सेलिंग आई है, किसी को लगा करे मैंने तो अपना बुक नहीं किया, मैं भी बुक कर लेता हूँ, तो जो एक ट्रेंड चला था उसमें फिर बाकी लोग भी कूद पड़ते हैं, तो फिर थोड़ा सा और एलोंगेट हो जाता है प्रॉफिट बुकिंग। इसीलिए अगर और फॉर्म अपने लो को ब्रेक कर देता है तो वीकनेस आएगी, फिर हमारे पास सेलिंग आएगी, आराम से 30-40 पॉइंट्स का आराम से फॉल हमें और फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो आज की क्लोजिंग के ऊपर रुक जाता है और वहीं पे अपने आप को स्टे कर लेता है, फिर से एक जितनी बड़ी हमारे पास रेड कैंडल है वो वापस लेवल अचीव करने के लिए राइज करेगा। तो दोनों लेवल्स के लिए आप अपने आप को रेडी रखिएगा, बाइंग और सेलिंग लेवल्स में आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला स्टॉक बात करें, अगला स्टॉक है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एक पैटर्न है, आपने गैप ट्रेडिंग के बारे में पूछा था, मैं गैप आपको ट्रेडिंग सिखा नहीं पाया, सॉरी अबाउट दिस, जल्दी सिखाऊंगा मैं आपको। ये गैप ट्रेडिंग में इसको कहते हैं ब्रेकआउट पैटर्न। अगर एक स्टॉक लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और हर कैंडल पे वो एक गैप बना रहा है, ये भी चलिए ये हमारा ब्रेकआउट गैप का एक पैटर्न है, आप यहीं सीखिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप अप है, यहाँ भी गैप अप है, यहाँ भी हल्का सा, यहाँ भी हल्का, हर कैंडल में कहीं ना कहीं गैप अप गैप डाउन है, चाहे माइन्यूट ही सही, लेकिन एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये रेंज हमारी ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो उसको कहेंगे ब्रेकआउट, नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो वो कहेंगे ब्रेकडाउन। फिलहाल हम क्या कहेंगे कि अगर ये यहाँ पर रेंज ब्रेक करता है, ये वाली जो आई थिंक 1320 के आसपास के जो, अगर ये नीचे वाली जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है या रेंज, उसको ब्रेक कर देगा तो ब्रेकडाउन आएगा, और ब्रेकडाउन आएगा तो बड़ी मूवमेंट के साथ आएगा। लेकिन अगर उसने अपने क्लोजिंग के आसपास और उसकी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी के आसपास आके बाउंस किया तो उसका टारगेट हमारा अपर लाइन होगा, क्योंकि वापस से वो उसी रेंज के हाई को टच करने की कोशिश करेगा। तो दोनों तरफ हमारे लिए इंटरेस्टिंगली अच्छे लेवल्स हैं, इसीलिए हमने इसको पिक किया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हैं, और फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग इंक्वायरी यू कैन व्हाट्सएप ऑन दीज नंबर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। A disclaimer guys that all these videos which I create for you for education purposes. If you are taking it under my recommendation, do consult with your financial advisor before taking those. Take care. Have a nice day.